Hello everyone, welcome again to our YouTube channel Success Coaching Center Webinar. और एक बार और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों के सामने बच्चों लेके आए हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगा इसकी एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अलग भी और थोड़ा सा लेंथी भी है इसकी। तो मैं नॉर्मल क्लास में ये वीडियो नहीं बनाकर मैं उस क्वेश्चन को अलग लेके आया। ये जो क्वेश्चन है वो है 9th क्लास का, रूट 9.3 को आप कैसे नंबर 9 के ऊपर शो करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझने लायक है, लेंथी भी है, बच्चों ध्यान से समझना या अच्छे से आप कंसेप्ट यूज होने वाले हैं कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। रटना एक अलग चीज होती है, समझना एक अलग चीज होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों में सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये क्वेश्चन है मेरी क्लासेस की रेगुलर वीडियो में अपडेट करता हूँ, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या बाकी वीडियो भी अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि फायदा सिर्फ आप तक नहीं आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे और उनको भी इन वीडियोस का फायदा उनको मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग रूट 9.3 को जो है वो नंबर लाइन पर शो करेंगे। मेरे पास जैसे कोड है तो मेरे पास इसके या फिर आर्ट ये सब चीजें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कैसे आप नंबर लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैसे आप रूट 9.3 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करोगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्लास 9 का है और चैप्टर जो फर्स्ट है उसके अंदर है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो आप रूट 9.3 को आप नंबर लाइन में ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से 9.3 जो है सेंटीमीटर की हम लोग एक जो लाइन है उसको बनाएंगे। जैसे मैंने ये माना है ये जो है वो ए है, ये ए है आपकी, ये भी लिखी आपकी 9.3। अब मुझे क्या है आगे जाके जो रूट 9.3 मुझे जब बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपकी ये जो लाइन है उसको बीच में से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल पार्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से एक पॉइंट को आगे ले रहा हूं मैं 1, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 10.3। यहां तक आपकी रहेगी 9.3 और ये आपकी होगी टोटल 10.3। इसको मैं ए बोला है, इसको मैं आपका बी बोलता हूं, इसको मैं क्या करता हूं सी। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो लाइन है इसको मुझे बीच में से इंटर से करना आर की सहायता से। अगर मुझे इसका आधे से ज्यादा आर ओपन करोगे मोर देन हाफ और एक यहां से आर करोगे और एक आपका यहां बनेगा, इधर से भी आधे से ज्यादा जब आप करोगे इधर कैंसिल होगा और एक आपका यहां कटने वाला है। और जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा, ये जो लाइन है मेरी बैटिंग बहुत अच्छी उस पर मैं जाना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों उस पर जाना, यहां पर इसका क्या हो जाएगा आपका आर्ट कर जाए, ये मैंने इसका आर्ट कर। उसके बाद क्या करना आपको, ये जितना आर्क है आपका यहां से इसको मैं वो पॉइंट दे रहा हूं, ओ ए और ओ सी ये दोनों क्या हो गए इक्वल पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एक तरह से यहां से क्या ये आपका रेडियस भी बन गया, ये ओ ए भी रेडियस बन गया किसी सर्कल का और ओ सी भी सर्कल बन गया, यहां से भी क्या करूंगा हाफ आपका सर्कल बनाने का। ये देखिए यहां से मैंने क्या कर दिया हाफ जो है वो सर्कल, ठीक है बच्चों आइए जो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है 90 डिग्री जो आपका डी है उससे या फिर आप जिससे भी आप मिले तो 90 डिग्री का आपको क्या करना है यहां से आपको एक एंगल बनाना है 90 डिग्री जिसको आप डी नाम दे, ठीक है बच्चों ये आपको ध्यान रखें। और अभी से बता रहा हूं ये जो लाइन है वो आपकी रूट 9.3। अब आप बताओगे सर कि आपको कैसे पता रूट 9.3 है,
तो ये अगर मैं पूरी करूंगा कैसे, ये जो है आपका पूर्ण, ये जो पीडी है वो आपका 9.3 हो गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, रूट 9.3 को क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तब थोड़ा सा आगे हो पड़ेंगे, थोड़ी इस लाइन को थोड़ा और आगे करेंगे, तो ये आपका नंबर का गैप लिया है, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके हम देंगे। तो जितना ये आपका है, जितना आप इतना आज ओपन करोगे वो भी जितना, और उससे आप यहां पर क्या करोगे, एक आज वापस इस लाइन को कट करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपकी लाइन कट, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन को अपन क्या करेंगे, रूट 9.3 जो हमने यहां पर शो, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपको क्या करना है, आपको रूट 9.3 को शो करना है एक नंबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसको हमें प्रूव करना है कि 9.3 कैसे आया है, कैसे होगा। तो एक ही बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो आपका एसी है वो कितना है आपका 10.3 है, और जो कोर है आपका जो है वो एसी का कितना है आपका हाफ, यानी कि 10.3 का डिवाइडेड टू दैट इज 5.15। ये आपको ध्यान रखिए। अब आपको एक चीज यहां पर समझनी है, ये पूरी आपके 10.3 की हमको ये जो ए में हमें पता नहीं है, हम इस साइड को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और जब हम इसको शो करना है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राइंगल को हम यहां से अटैच करना है। ये हमारा एक्स है जो हमारे यहां पर रेडियस होता है सर्कल का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पर हमें ये पता है OA इज इक्वल टू OC, हमें एक चीज पता है OA इज इक्वल टू OC, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कहां से चल रहा है, एंगल OB और D, यानी कि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, OB चाहिए। OB का मतलब क्या हो गया, जो X है उसमें कितना कम कर रही हूं, X माइनस 1 को क्या करेंगे यहां पर कम कर देंगे। तो ये आपका जो X माइनस 1 ये X है और ये, अब अगर चाहे इसको इसको बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज जैसा आप मान सकते हो वैसे आप मान सकते हो, यह आपको बस हमें ये करना है, ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इसको हिंदी में कर्ण हो। अगर हम इसको प्रूव करें ट्राइंगल ओ बी ओ डी, तो बी ओ है पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का इक्वल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्यूज कितनी है, इतनी एक्स है। हम ये मान रहे हैं कि ये आपका क्या है, जैसे इसको अपन मान लिया ये आपका बेस है, तो पी जो है आपका ये हमने क्या मान लिया, बेस है आपका, ये वाला आपका बेस है, तो पी हमारा हो गया डीबी। इसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कितना हो गया था, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डीबी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। तो हम इसको करेंगे क्या जाएगा, डीबी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स, ये कैंसिल, तो डीबी का स्क्वायर इक्वल टू है 2x माइनस 1, यानी कि db इक्वल टू है रूट 2x माइनस 1। अब हमें पता है, हमें पता है वैल्यू OA, OA हमने ये OA को हमने क्या माना था, x माना था, इसके लिए हम लोग यहां लिख देते हैं 2.515 माइनस 1 10.30 माइनस 1 यानी 9.3 को हमने ग्रो किया है एक लाइन के ऊपर, रूट 9.3 को कैसे हमने प्रूव किया है 9.3 ये कैसा ये, तो आपको समझ में आएगा ये 9.3 है और ये भी हमारा 9.3। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आया है,
और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका अपना विकास। थैंक यू वेरी मच।